हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बनाएंगे हैदराबाद का फेमस वेज सोया बिरयानी। ये देखिए दोस्तों, सोया बिरयानी हमारा बिल्कुल परफेक्ट और खिला खिला बन के तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। इस तरह से वेज सोया बिरयानी घर में बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से वेज सोया बिरयानी की रेसिपी देख लेते हैं। वेज सोया बिरयानी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप बासमती राइस। चावल को धोकर 10 मिनट के लिए पानी में सोख होने रखेंगे। और अब हम एक बर्तन में 1 गिलास पानी लेंगे। हाई फ्लेम पे पानी को गर्म होने देंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी गर्म हो गया है। इसमें 1/4 कप नमक डालेंगे और गरम पानी में 1 कप सोया चंक या सोया बड़ी डालेंगे। और गैस ऑफ कर सोया बड़ी को 2 मिनट पानी में फूलने देंगे। यहाँ मैंने मिनी सोया चंक का यूज़ किया है। और अब हम एक बर्तन लेंगे, इसमें 1 कप दही डालेंगे। मैरिनेशन के लिए इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तीखा के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। और अब सभी मसाले को दही में मिला लेंगे। इस तरह अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम सोया बड़ी चेक करेंगे। ये देखिए, सोया बड़ी फूल गए हैं। और अब हम इसे हाथों से दबाते हुए एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लेंगे। सोया बड़ी को मैरिनेट करने के लिए दही में ऐड करेंगे और इसमें 1 कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। गाजर ऐड करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। बड़े टुकड़ों में कटे हुए 2 आलू ऐड करेंगे। आप इसमें अपने पसंद के और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और सभी इंग्रेडिएंट को मिलाते हुए मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि सब्जी और सोया बड़ी में दही का एक अच्छा सा लेयर कवर हो जाए, जिससे बिरयानी बनाते समय सब्जी और बड़ी में मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इसे 5 मिनट मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। बिरयानी बनाने के लिए एक कुकर लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कुकर को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। कुकर गरम हो गया है, इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें साबुत या खड़े गरम मसाले हम ऐड करेंगे। तेल में 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 टुकड़ा जावित्री का। साबुत मसाले ऐड करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 5 से 6 काली मिर्च, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 फूल चकड़ी और 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे। 2 लंबे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 2 प्याज इस तरह लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, हम इसे ऐड करेंगे। और अब सभी इंग्रेडिएंट को मिलाते हुए इस तरह भून लेंगे। लाइट ब्राउन होने तक प्याज को भून लेंगे। ये देखिए, प्याज हमारा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। इस टाइम पे हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी मिलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, टमाटर भून गया है। अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए वेजिटेबल और सोया बड़ी ऐड करेंगे और सभी को
हाई फ्लेम पे मिलाते हुए भून लेंगे। हमें मैरिनेशन को तब तक भूनना है जब तक इसका मॉइस्चर या पानी सूख नहीं जाता। ये देखिए पानी सूख गया है। इस टाइम पे इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक को चलाते हुए मिला लेंगे और अब हम कुकर में सब्जियों को इस तरह फैला लेंगे और इसमें चावल ऐड करेंगे। बिरयानी के लिए चावल को सब्जियों के ऊपर फैलाते हुए डालेंगे। इस तरह सभी सब्जियों को चावल से कवर कर देंगे। और अब इसमें फ्राई किए हुए ऑनियन या ब्रिस्ता ऐड करेंगे। इस तरह फैलाते हुए हम इस पे डालेंगे और बिरयानी में पुदीने के पत्ते तोड़ करके चावल पे डालेंगे। पुदीने के पत्ते ऐड करने से बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसमें धनिया के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी से बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 कप चावल लिया था इसलिए 3 कप पानी डालेंगे। पानी ऐड कर पानी में उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब इस टाइम पे कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे कुकर में 2 सीटी आने देंगे। ये देखिए कुकर में 2 सीटी आ गए हैं। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। ये देखिए कुकर हमारा ठंडा हो गया है। बिरयानी को नीचे से ऊपर की तरफ मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिरयानी हमारा परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और अब हम इसे चलिए प्लेट में सर्व कर लेते हैं।